गुस्सा चढ़ा हुआ ना कसम से, इवें लगता जिदे उधर आ गया है। कुछ आ रहा नहीं सकती, टाइम दिया था। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। गाइस आज संडे और आज डेट है 20th of November। गाइस अभी मैं बियर के घर जाने के लिए निकल जाऊँ, ऋत्विक को ले रहा हूँ। मैं ना गुस्सा चढ़ा हुआ ना कसम से। मैंने आपको करके ब्लॉग में बताया था कि वंशिका के साथ प्लान है कि शाम को जाएंगे। मैंने कल रात ही मैसेज कर दिया था, मेरे को घंटा पहले बता दियो, क्योंकि यार मेरी आदत है एक बार जिसको टाइम दे दिया दे दिया भाई, उसके बाद कोई मर्जी बुलाता रहे फिर नहीं जाता। मैं लटका के रखा हुआ है, अभी तक कॉल नहीं आया, शाम के 5 बज गए हैं। तो फिर मैंने और ऋत्विक ने सोचा आप निकल जाते, बाद में कॉल आएगा तब देखेंगे भाई। मतलब यार ऐसे करना नहीं चाहिए, मैं उसको वैसे बोल भी चुका तो अपनी आदत हटा ली है वाली, मेरे को अच्छी नहीं लगती, क्या कर सकते हैं। चलो अब बियर के घर जाने के लिए निकल गया है, कॉल आएगा तो देख लेंगे। काफ़ी काम तो नहीं आया यार, वो यार उसके पेरेंट्स से मिलाएंगे, वो अंकल भी बुला रहे थे, उनका कॉल आया था कि आओगे अभी मिलो, तो बस वहाँ पे जा रहे हैं। ऋत्विक के घर तो आ गया हूँ, तो वो आ रहा है, मैं सीधा आपको उसके घर जाके मिलता हूँ। अभी घग्गर आया है, वो ये जब घर वालों को बोलो पत्ते जाना है तो उनका घग्गर का कुछ ना कुछ आ ही जाता, मंदिर का सामान जाते जाते तैरा देना, तो अपने घर में पहले सामान तो रहेंगे। आते आते यार वो यार शाम हो जाएगी, तो शाम को ऐसे हम प्रेफर नहीं करते कि तैराएं अभी तक चढ़ने से बाद और उतरने के। हाँ तो और अभी तक उसका फोन नहीं आया, देख लो गाइस वे गुस्से के आग बढ़ ग्रांटेड ले लिया भाई। हाँ दोनों के ग्रांटेड का आपको पता नहीं, पर हम दोनों के गुस्से की आग बढ़ती जा रही है टाइम विद टाइम ना यार भाई, क्योंकि वो ही है यार, देखो 2.5-3 साल मिलना नहीं है, तो ऐसा होता है मिल रहा है तो ढंग से मिलेंगे, ऐसे फॉर्मेलिटी थोड़ी करनी है, बात मिला के थोड़ी। हाँ ऐसे थोड़े जी, चलो टाटा बाय, ऐसे तो मिलते रहते, सुखना लेक भी तो मिले ही है, तो ऐसे कहीं बैठेंगे खाएंगे पीएंगे, चलो देखते हैं आपको। अब घर में बात तैरा दे, काफ़ी गंदी हो गया भाई नदी लोगों ने ना, मतलब और हम देख लो भाई, हम कोई पॉलीथीन नहीं तैराते, सारे कपड़े के हैं, हम प्रेफर भी नहीं करते हम पॉलीथीन तैराएं। बस बियर के घर आ गया है, उसकी गाड़ी खड़ी पे, पहले बहुत चलाई है इसकी गाड़ियाँ भाई, कभी बताता है इंदा निकालते, बहुत चलाई है यार, मेमोरीज ये लगे इस गली में तो आने बहुत टाइम, तो अंदर चलते हैं। बियर को वीडियो कॉल भी करेंगे अंदर जाके, बेचारे से कि ना बहुत मेरा डर सा लग रहा था, उसको पता नहीं क्या बक देंगे जाके, क्योंकि हम फैमिली के साथ कंफर्टेबल है उसकी, तो अंदर जाके बातें बूते मारते हैं अंदर से, अंदर शूट नहीं करूंगा भाई, ऑफवर्ड हो रहा था थोड़ा, तो चलते फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस बियर के घर से आ गए हैं, और भाई व्हाट एक्सपीरियंस मैं बता नहीं सकता, इतना ऑसम एक्सपीरियंस था भाई। अंकल अच्छी अच्छी बातें हुई भाई, मतलब मैं बताता हूँ सबसे जो दिल को बात छुई, अंकल ले जाते हो तो क्या बोला, एवे लगता है जिदे उदे आ गया भाई भाई, मतलब मैं वो सुन के इमोशनल हो गया भाई। और आंटी तो सही में रो भी रहे थे, पर हमें पता लग गया था, हमने बोला कुछ नहीं, आंटी रो रहे थे, तो काफी बढ़िया बात थी कि अंकल ने काफी इन्फॉर्मेशन दी, मजा आ गया यार। दिल की बातें सी हुई है, हाँ दिल की बात थी, ओहो यार बहुत अच्छे, मजा आएंगे और आएंगे और बोल के बोल भी रहते, जानने वाले जरूर मिल के जाइयो यार, मतलब मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता वो एक्सपीरियंस भाई, बिल्कुल वो ना कनेक्ट था, जैसे अपने पेरेंट्स होते ना यार, अपन कनेक्ट वैसे लग रहा था भाई, बिल्कुल वैसे। और गाइस बाकी वंशिका का तो मैं आया ही नहीं अभी तक भाई, कोई शर्म धर्म ही नहीं है उसका भाई, सवाची हो गया भाई, हद है यार। देखो मैं ये नहीं बोलता भाई कि ठीक है उसको काम आ गया होगा, बता तो दे, कोई हमें वो नहीं है कि भी चल हम रोक रहे तू काम ना कर, पर ये तो एटलीस्ट बता दे यार, हम भी एक साइड हो जाओ, देखो हम यहाँ पे आ गए, अभी तक उसका आया नहीं है, उस चीज में दिक्कत होती है कि यार तू लटका मत दूसरे को, तो कोई ना अब आएगा खड़काएंगे उसको थोड़ा। तो गाइस वंशिका का फोन तो नहीं आया, मैंने बेशर्म होके कर लिया थोड़ा शाबाश, मैंने ये नहीं पूछा आ रही है कि नहीं, मैंने डायरेक्ट हमला करना शुरू किया, मैं कहता कुछ शर्म नहीं हत्ती, टाइम दिया था, कहती आज तो हमने जाने ही नहीं था। What? भाई मैं तो सुन के हैरान, मैं कहा और कब जाना था रात में, ऐसे तो किया था बता दी, कहती हमने तो मंडे जाने, भाई पहले तो मैंने थोड़ी बजाई उसकी बेइज्जती करी, फिर उसने एक और बात बताई, ये सुन के और गुस्सा आ रहा है, कहती 7 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तो ब्रेक है, मैं वापिस आऊंगा, मारो मुझे मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है भाई, मतलब फिर इतना नाटक ही है कि मतलब नाटक छोड़ो, चलो नाटक नहीं कहते हम इसको, जो भी है जो भी है, मतलब फिर मैं तो बोल दिया, कहती मैं बाहर हूँ घर जाके करूंगी, मैं कब घर जाके तूने ना किया है, मैं बहुत चिल्लाने वाला हूँ, अभी भी कह रही थी, कहती गुस्सा क्या कर रहा है भाई, होगी गलती, मैं कहा होगी क्या, मैं तो बेला बैठा, मैं थोड़ी मैं बियर के गया था, तो यही बोल रहा है मैं तो वेट कर रहा था, तो मैंने बोला भी है, मैं कहा अगर तू कल 20 के मोमोज खाने के लिए आई, मैं कहा आइयो भी मत, बर्गर चलेंगे, तो देखते हैं कल का प्लान। इसके घर पे कोई है नहीं आता, ये कहता टाइम पास करा मेरा, तो मैं इसको सन सिटी के चाय सुट्टा बार ले आया हूँ, चाय पियेंगे और क्या, थोड़ी रौनक भी देख लेंगे यहाँ पे, सुबह घर निकलते हैं भाई, प्लान तो बाकी हमारे सारे कैंसिल ही हैं। और अभी हम लुट के आ गए हैं भाई, 2 समोसे और 2 चाय 50 के मिल रही है, कल ही 2 चाय 58 के लेके आए हैं, ऊपर से ना मैं गया, मैं कहा 2 समोसे करना, कहता 1 घंटा लगेगा समोसा बनने में, मैं कहा 20 के रौनक से उठा के लाने। गाइस अभी ना हम मम्मा और मैं खाटू श्याम जी के मंदिर जा रहे हैं, 7 सेक्टर में ही है, मम्मा ने बोला हुआ था कि जब इसकी रजिस्ट्रेशन मतलब फाइनल हो जाएगा, तो जैसे मेरा फाइनल ही, और यार मैंने वो वीडियो डाली थी ना कनाडा जाना कैंसिल है,
भाई वो कैंसिल नहीं है, मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क भी डाला था, मेरा कुछ हो गया था पंगा, लेकिन अब फाइनल है, मैं जा रहा हूँ, तो सारा काम हो गया। तो मम्मा खाटू श्याम जी को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, तो मम्मा ने कहा था मत्था टेकने आएंगे, कल हमारा रह गया था, अब आज जा रहे हैं, सेवन सेक्टर चलते हैं, आप लोगों को भी मैं खाटू श्याम जी के दर्शन कराता हूँ। रात के 10 बज रहे हैं और भाई मंदिर में ना इतना शूट नहीं हुआ यार, एक तो वहाँ पे आपने देखा कि एक सेकंड की वैसे क्लिप थी उसमें यार, वहाँ पे ना मतलब खाटू श्याम जी का ही कोई भजन टाइप कह लो जगराता, तो वो था एक फैमिली करा रही थी, तो वो ऑकवर्ड हो रहा था, वो देख भी रहे थे, तो इसलिए मैंने वहाँ पर ज़्यादा शूट किया नहीं, बस वैसे आपको थोड़े से दर्शन करा दिए। तो वहाँ से आने के बाद मैं 10 बजे सोने के लिए लेट चुका हूँ। मेरा फुल प्लान है आज कोई डिस्टर्बेंस नहीं भाई, साइलेंट करके सोऊंगा, मतलब क्योंकि मेरे को पता है ऋत्विक दुखी करेगा, नमन भाई रात को 12:30-1 बजे फ़ोन करेगा, मैं साइलेंट करके सोऊंगा, सॉरी ब्रोस आज मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाने वाला, अपने गम एक दूसरे से बांटते रहना, मेरे से ना बांटना, कल बांट लूँगा तुम्हारे साथ। और यार जो मैं ब्लॉग में अपने दोस्तों के बारे में बोल देता हूँ ना भाई कि ये दुखी कर रहा है, जैसे वंशी काका मैंने बोल दिया भाई, वो ऐसे ये ठीक है बोल देता हूँ, ऐसे दिल से कुछ नहीं है भाई, इतनी पुरानी पुरानी दोस्ती होगी, ऐसे छोटी छोटी बातों पर हम एक दूसरे से कुछ नाराज वगैरह नहीं होते हैं। और ऐसे भी 5-6 दोस्त है भाई, वो बहुत अटैच दूँ उनसे, वो आया मैंने एक लाइन सुनी थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लाइन है भाई, क्या आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स बट आई हैव द बेस्ट वंस, तो ये चीज़ मेरे हर दोस्त पे एप्लीकेबल है। और मेरे वही दोस्त है भाई, आपने देखे हैं ऋत्विक हो गया, भिनव हो गया, नमन भाई हो गया, उधर से कैनेडा जाके मिल पाऊंगा, वंशिक हो गया और हर्ष हो गया, हम टोटल 7 लोग हैं, ये 7 भाई, इनका कोई मैच नहीं है बाकियों से, तो इनसे काफ़ी अटैच दूँ। और अब रात हो गई है, तो गाइस अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दो, ताकि आने वाले और भी व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट व्लॉग में।